जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में, व्रत के बारे में और आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 3 जुलाई 2022 दिन रविवार। रविवार भगवान सूर्य देव का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल पे आप जितने भी व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान सूर्य देव का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। आज आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होगी शाम 5:08 तक। आज के दिन विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। विशेष प्रकार से विनायक गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में जानकारियां प्राप्ति के लिए आप वीडियो के आइकन में जाकर के जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। सूर्योदय सुबह 5:11 और सूर्यास्त शाम 6:52। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे सुबह 8:36 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे रात्रि 10:04 पे। सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे और चंद्रमा कर्क राशि में। यह ग्रीष्म ऋतु है, अयन उत्तरायण रहेगा। युग वज्र युग दोपहर 12:07 तक, उसके बाद सिद्धि योग। करण विष्टिकरण शाम 5:06 तक, उसके बाद बबकरण। नक्षत्र की बात करें तो अश्लेषा नक्षत्र सुबह 6:30 तक, उसके बाद मघा नक्षत्र। दिशा शूल की बात करें तो आज रविवार दिन होने के कारण आज के दिन दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य दिशा की यात्रा ना करें, जो लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से दलिया और घी खाकर बाहर निकले। इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज रविवार का दिन है तो रविवार के दिन भगवान सूर्य देव का पूजन करें, व्रत करें, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें तो लाभकारी होगा। रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए जल में थोड़ा सा लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। इससे भगवान सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। भगवान सूर्य देव आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। आंख की पीड़ाओं को छोड़कर सभी प्रकार के रोगों को भगवान सूर्य देव नष्ट करने वाले हैं। तो रविवार को भगवान सूर्य देव को अवश्य ही अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। और जो भी रविवार का व्रत करते हैं, रविवार के व्रत में इस दिन नमक युक्त भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए और सूर्यास्त से पहले ही एक समय मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा शाम 5:11 से शाम 6:52 तक। गुली कालम समय होगा दोपहर 3:27 से शाम 5:10 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:35 से दोपहर 12:29 तक। अब आइए जानते हैं आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। चौघड़िया 7 प्रकार की होती है, जिसमें से कि 4 शुभ चौघड़िया मुहूर्त और 3 अशुभ चौघड़िया मुहूर्त। तो हम जानेंगे केवल आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। चरण नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 6:54 से सुबह 8:37 तक। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:37 से सुबह 10:19 तक। उसके बाद अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:19 से दोपहर 12:02 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:44 से दोपहर 3:27 तक। तो यह थे दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त शाम 6:53 से रात्रि 8:10 तक। उसके बाद अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 8:10 से रात्रि 9:27 तक। उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 9:27 से रात्रि 10:44 तक।
उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 1:19 से रात्रि 2:37 तक, उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 3:54 से सुबह के 5:11 तक। तो यह थी दिन और रात्रि की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। यह विक्रम संवत 2079 रक्षा है और शक संवत 1944 शुभकृत। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।